सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बच्चे? मैं इसकी रक्षा करूंगा। हाँ। और बेस। मैं इसकी रक्षा करूंगा। मतलब मुझे लगता है जो गाना बेबी को बेस पसंद है ये तो अमिताभ बच्चन पे होना चाहिए यार, क्योंकि इतना बेस है इनकी आवाज में कि जैसे ही आते हैं ना ऑन स्क्रीन बाकी सारे ऐसे बिल्कुल धुंधले धुंधले। और मुझे लगता है कायदे से वो ही फिल्म की रक्षा करेंगे। तो बच्चन साहब एज अश्वथामा इन कल की 2898 एडी ट्रेलर रिलीज हो गया और जैसे कि डायलॉग बच्चन साहब ने बोला मुझे लगता है इस फिल्म की भी रक्षा वो ही करेंगे। हाँ। क्योंकि प्रभास से फिर से मुझे लग रहा है हो ना पाएगा। एक के बाद इतनी घटिया मूवी दे गए हैं ये हैं। अभी रिसेंटली आदि पुरुष की यार इतने पार कर दिए, उसके बाद सलार भी तो की आई। हाँ, वो कौन सी कोई बहुत बढ़िया चांद चिराग। देखो उससे ज्यादा प्रभास भाई से ज्यादा एक्सप्रेशन तो शरद केलकर दे देते हैं वॉइस ओवर में जो डबिंग करते हैं हिंदी की इनकी। और मुझे लगता है कि आधी जो उनकी पर्सनालिटी निकल के आती है ना मूवी में यार वो तो उनकी वो जो बेस वाली आवाज है ना अगेन बच्चन से थोड़ी कम लेकिन वैसी दमदार उससे आती है। तो मुझे लगता है कल्कि के जो मेकर्स हैं उन्होंने इसी को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही असेंबल कास्ट रखी है। बच्चन साहब है, दीपिका पादुकोण और स्पेशल इफेक्ट्स ओए होए होए होए। अगर आप हाँ हैं भर भर के डाले हुए मैंने अच्छा। बोला किलो के हिसाब से डाले हुए। हाँ, अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन है तो मैड मैक्स फ्यूरी और ड्यून का थोड़ा सा आपको अंश इसमें नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स एंड ग्राफिक्स। और फिल्म की कहानी ऐसी है कि एक तरफ दिखाया है कि दुनिया का पहला शहर और एक तरफ दिखा रहे हैं दुनिया का आखिरी शहर। दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर। कॉन्ट्रास्ट है, डिस्टोपियन सोसाइटी है। डिस्टोपियन सोसाइटी वो होती है जो बहुत ही कंट्रोल रखती है, ठीक है, हम नीचे दे देंगे टेक्स्ट। हाँ, और जो मतलब दूसरे लोगों को एकदम डर का माहौल बनाने में टेक्नोलॉजी का यूज करके वैसी वाली सोसाइटी दिखाई है। और एक तरफ अगेन कॉन्ट्रास्ट दिखाया, एक सोसाइटी है जिसमें लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बेसिक नीड्स नहीं है, पानी तक नहीं है। तो उन दोनों के बीच फाइट है और ट्रेलर के देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बच्चन साहब दीपिका पादुकोण जो प्रेग्नेंट है फिल्म में भी। हाँ। वैसे मुबारक हो भाभी जी, मुबारकबाद दे दो ना, बहुत बहुत बधाई है भाभी जी ने। हाँ जी, तो बच्चन साहब जो है वो दीपिका पादुकोण को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और फिल्म में दिशा पाटनी भी है जिनके पिताजी कमल हसन, और कमल हसन का भी जो मेकअप है पिताजी तेरे को पता है इतनी फैन थ्योरीज हैं, वो तो कह रहे हैं उनकी वाइफ हो सकती हैं दिशा पाटनी उनकी वाइफ। हाँ, इतनी फैन थ्योरीज हैं उसके ऊपर हम बाद में अच्छा। आते हैं, लेकिन ये जो यार बच्चन साहब का रोल है अश्वथामा कितना सही, मतलब यार मुझे ऐसा लग रहा है कि अश्वथामा की जगह में अगर किसी को इमेजिन भी करती हूँ ना तो वो यही है, इससे ऊपर क्या बढ़िया। बिल्कुल, और वैसे ओवरऑल लुक जो है, मेकअप है, प्रोस्थेटिक्स हैं, बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहे हैं। याद है इससे पहले जो आया था जिसमें अश्वथामा ही उनका लुक जो है वो हुआ था, यार वो तो मुझे वो ट्रेलर से ज्यादा गूज़बम्प्स था। हाँ, और मुझे वो ज्यादा बढ़िया लगा। हाँ, तो कमल हसन की भी बात करें तो उनका मेकअप वैसा है कि जैसे मुल्तानी मिट्टी चेहरे पे लगा दी और धोना भूल के तो क्रैक्स आ जाते हैं ना, जैसे फैंटास्टिक फोर में कैरेक्टर था तो वैसा है। तो ओवरऑल पैकेज की अगर हम बात करें तो अभी कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा। हाँ, और दिशा पाटनी बड़ी कम नजर आई है यार, वो है ना दिशा। हाँ, पता नहीं उनकी दिशा क्या रही, पता नहीं क्या इनकी दिशा है, पता नहीं क्या करने। भाई साहब 600 करोड़ बजट है इस फिल्म का, जितने बजट में चंद्रयान 3 मिशन हमने लॉन्च किया था, सबसे महंगी फिल्म है इंडियन सिनेमा की। तो क्या ये फिल्म अपने जो जैसी हाइप क्रिएट कर रही है उस पे भरपूर उतर पाएगी? यार पहले तो मुझे लगता है कि जैसे ही ये बोल देते हैं कि सबसे महंगी फिल्म होने वाली है तो ना हमारी एक्सपेक्टेशन वैसे ही यहाँ पे चली जाती है, और फिर आदि पुरुष में देखा ही आपने क्या हुआ था। अरे अरे, है ना, मुझे लग रहा है कि यार उससे तो बेटर वैसे ये जो जितने भी विजुअल इफेक्ट्स हैं वो तो लग ही रहे हैं, लेकिन बस ट्रेलर का क्या है यार, अच्छे अच्छे पार्ट काट के रख लेते हैं, पता चले मूवी में कुछ भी नहीं निकला तो भाई साहब 3 साल से मेहनत चल रही थी, आपने तो ऐसे ही कह दिया कि बस थोड़े थोड़े पार्ट काट के प्याज काटना है क्या? प्याज काटना है क्योंकि इतना टाइम तो इन्होंने लगा दिया, 2022 में रिलीज होने वाली थी ये मूवी, क्योंकि पैंडेमिक आ गया। हाँ, उसके कारण थोड़ी सी डिले हुई। हाँ, इनको ये था कि हमें विजुअल इफेक्ट्स पे और काम करना है, मुझे लग रहा है आदि पुरुष की हालत देख ली ना इन्होंने कि कितनी गालियां पड़ रही हैं, तो उतनी गालियां प्रभास तो भैया अब नहीं झेल सकते और झेलना चाहिए भी। तो ओवरऑल फिल्म का ट्रेलर देख के ये लग रहा है थोड़ा मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, थोड़े महाभारत के इवेंट्स का भी आपको अंश इसमें इस फिल्म में नजर आएगा। ओवरऑल कल की 2898 एडी जो है, मुझे लग रहा है कि ये ट्रेलर एक और रिलीज किया जाएगा, ट्रेलर 2, जिसमें और भी विजुअल इफेक्ट्स होंगे, और भी डायलॉग्स अच्छे होंगे, और भी इंट्रीगिंग स्टोरी जैसे हमें इंटरेस्ट पैदा करे वो होनी चाहिए। अभी तो ये थोड़ा सा ना डाइसी सा माहौल लग रहा है यार। और ये भी लग रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कि यार एक बार ही रिलीज करके, ट्रेलर रिलीज करके काम क्यों नहीं खत्म करते, ये क्यों ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे हैं? हाइप ना, अभी तो आपने बोला हाइप क्रिएट करनी होती है। नहीं, हाइप तो क्रिएट करनी होती है, लेकिन कंफ्यूज हाइप क्रिएट करना और कंफ्यूजन क्रिएट करना, इसमें जो लाइन है ये थोड़ी क्रॉस होती हुई मेरे को नजर आ रही है। और अगेन प्रभास की डायलॉग डिलीवरी जो हमने हिंदी में ट्रेलर देखा डब की है शरद केलकर जी ने,
और काफी बेस आवाज है जिससे कि प्रभास की एक्टिंग और भी उभर के आ रही है। भाई मतलब मेरा तो ध्यान ही नहीं गया वो बंदा लग कैसे रहा है, मेरे को तो आवाज भी एकदम मस्त लगी। मतलब तो आपको आपको कितना लगा ये ट्रेलर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भी लगा है तो भी आप कितना स्पेशल इफेक्ट्स ये भी मुंह से निकाल लेती है, टैलेंट देखो लड़की का। क्या 600 करोड़ क्या 500 करोड़ भाई। तो ओवरऑल कल की 2898 एडी जो है हमें लग रहा है थोड़ा सा थम्स अप की तरफ जा रहा है मामला, पर अभी ऐसे टेढ़ा सा है, डायगनल हमने बना दिया है। आपको क्या लगता है ट्रेलर के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी जी ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल जी स्विच। मेरा नाम है रमित, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं स्विच।